बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु तेउ राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की तो विनय सुनो प्रभु प्यारे। मेरी तो विनय सुनो प्रभु प्यारे। रैन दिवस मन बीच सर्व झुरंदे। शोक सिंधु माय सब जांदे लुड़ंदे। करुणा मैं आप करो हमें किनारे। मेरी तो सुनो प्रभु प्यारे। काल रूप दुष्ट जन घेर मार दे। दशो दिशा आग दे के हमें जार दे। दया सिंधु दूर करो कष्ट हमारे। मेरी तो विनय सुनो प्रभु प्यारे। मेरी तो विनय सुनो प्रभु प्यारे। रक्षा करो वेग नहीं लाओ देरियां। और उठना है परे शरण तेरियां। तेरे बिना नहीं कोई दुख निवारे। मेरी तो विनय सुनो प्रभु प्यारे। मेरी तो विनय सुनो प्रभु प्यारे। कहते हूँ दोष सब माफ कीजिए। आप हो दयाल अभयदान दीजिए। हार पड़े आन अब तेरे द्वारे। ओ मेरी तो विनय सुनो प्रभु प्यारे। मेरी तो विनय सुनो प्रभु प्यारे। राग आशा भजन दसवां। मेरी तो विनय सुनो प्रभु प्यारी। ठीक है। प्रार्थना के इस भजन में जिज्ञासु के द्वारा ईश्वर परमात्मा गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना की गई है कि समस्त संसार दुखी है। रैन दिवस मन बीच सर्व झुरंदे। शोक सिंधु माए सब जांदे लुड़ंदे। शोक के समुद्र में सब बहते जाते हैं। कृपा करके उनको आप बचाओ। करुणा कर आप करो हमें किनारे। हे प्रभु हे करुणामयी प्रभु आप कृपा करके हमें इस संसार सागर से पार करो। दुखों से छुटकारा दिलाओ। काल रूप दुष्ट जन घेर मार दे। दशों दिशा आग देके हमें झार दे। जो दुष्ट जन है पापी लोग हैं वो काल का रूप बनकर हमको घेर कर मार रहे हैं। दुखित कर रहे हैं। दशों दिशा आग चारों तरफ से आग लगी हुई है।
आप कृपा करके उस आग से हमें बचाइए। दया सिंधु दूर करो कष्ट हमारे, हे दया के सागर कृपा करके हमारे कष्टों का निवारण करो। रक्षा करो वेग नहीं लाओ देरिया, और ओट नाह पड़े शरण तेरिया। चारों तरफ से निराश होकर चरण कमल तब आन गए, और आसरा छोड़ सभी एक दर तेरे पर देख रहे। और कोई आश्रय नहीं, हम निराश्रय हैं, आप ही हमारे आश्रय हो, आपकी हम शरण में हैं। आप शीघ्रता पूर्वक कृपा करो, तेरे बिना ना है कोई दुख निवारे, आपके बिना और कोई नहीं जो हमारे दुखों को निवृत्त करे। कहे टेऊं दोष अब माफ कीजिए, आप हो दयाल अभय दान दीजिए। हे प्रभु कृपा करके आप हमारे दोष दुर्गुणों को माफ करें, क्षमा करें और हमें अभय का दान दें। आप दीनदयाल हो, द्वार पड़े आन अब तेरे द्वारे। सब तरफ से किनारा करके हार कर निराश होकर हम आपके शरण में पड़े हैं। आप कृपा करके हमें संसार सागर से पार करें। अमरापुर बाणी पढ़ तुम प्रेमी प्रेम सा, पाय सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भर लजह में भाव जी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु, महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में, सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार, वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार, सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश, उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लौ जो करती है नाश, अंतरतम में दीप सम व
वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षणी ब्रह्म अमृत वर्षणी अंतरदृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है, कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।